आज मातोश्रीमध्ये बिहारचे लढवय्ये मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री नितीशजी आणि तेजस्वी हे पहिला प्रथम आलेले आहेत आणि लढवय्या शब्द वापरल्यानंतर इथे त्यांचा येण्याचा हेतू हा आपल्याला सगळ्यांना कळला असेल। देशामध्ये एकूणच लोकशाहीची हत्या होते की काय असं चित्र दिसतंय आणि लोकशाही वाचवण्यासाठी सर्वच नुसते मी विरोधी हा शब्द नाही वापरणार तर विरोधी कोणाचे विरोधी तर जे लोकशाहीची हत्या करू इच्छितात त्यांचे विरोधी असे सगळे देशप्रेमी पक्ष आणि जनता एकत्र करण्याचे जे आमचे प्रयत्न सुरू आहेत ते प्रयत्न आणखी बळकट करण्यासाठी नितीशजी आणि तेजस्वीजी आणि त्यांच्या सोबत त्यांचे सगळे सहकारी आलेले आहेत त्यांच्या सगळ्यांचं मी स्वागत करतोय। आजच सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल सुद्धा आलेला आहे आणि मला खरंच एका गोष्टीचं समाधान आहे। मी वारंवार असं म्हटलं होतं की सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा केवळ शिवसेनेच्या भवितव्याचा नसेल तर तो आपल्या देशातल्या लोकशाहीच्या बद्दल लोकशाही जिवंत राहणार की नाही याबद्दलचा असेल आणि सर्व माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने आज जो निकाल दिलेला आहे त्याच्यामध्ये एकूणच सत्तेसाठी हपापलेल्या लोकांचं उघडं नागडं राजकारण हे त्यांनी त्याची पूर्णपणे चिरफाड केलेली आहे। सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे राज्यपाल महोदयांची जी भूमिका होती ती संशयास्पद आता त्या संशयास्पद म्हणायला सुद्धा काही अर्थ राहिलेला नाही ती सरळ सरळ अयोग्य होती आणि एकूणच राज्यपालांच्या भूमिकेचं सुद्धा वस्त्ररण झालेलं आहे। मग ते दिल्लीच्या बाबतीत असेल इथल्या बाबतीत असेल आणि राज्यपाल ही यंत्रणा ही एक आतापर्यंत आदरयुक्त अशी यंत्रणा होती पण राज्यपाल यंत्रणेचे धिंडोळे ज्या पद्धतीने शासनकर्ते काढतायत ते बघितल्यानंतर आता याच्या पुढे राज्यपाल यंत्रणा ही अस्तित्वात ठेवावी की नाही हा सुद्धा एक मोठा विचार मला असं वाटतं सर्वोच्च न्यायालयापुढे आपल्याला न्यायला पाहिजे। तूर्त
सर्वोच्च न्यायालयाने जो निकाल दिलेला आहे त्याच्यामध्ये राज्यपालांना अधिवेशन बोलवण्याचा अधिकार नव्हता, त्यांनी बोलवण्याची गरज नव्हती वगैरे वगैरे सगळे आता आपण डिटेलमध्ये गेल्यानंतर कळेल। पण अपात्रतेचा निर्णय हा त्यांनी अध्यक्षांवरती जरी सोपवला असला तरी पक्षादेश हा त्यावेळेचा जो पक्ष म्हणजे माझी शिवसेना त्या शिवसेनेचाच राहील। आता अध्यक्ष महोदयांना सुद्धा याच्यामध्ये वेळ न काढता लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा याच्यासाठी आम्ही आता मागणी तर करूच। हा एक भाग झाला, लेकिन आज नीतीश जी और तेजस्वी जी आए हैं, मैं आपका स्वागत कर ही रहा हूं और लड़ाई तो आज शुरुआत हो गई है। मैंने जैसे अभी अभी आपको कहा जब हम अंदर बात कर रहे थे तो एक जला शुभ शकुन असं म्हणतो कि इतने दिनों से हमारी लड़ाई चल रही थी सर्वोच्च न्यायालय में, आज आप भी आ गए और वो निर्णय भी आ गया। इस देश में आप प्रजातंत्र उसकी रक्षा करना हमारा काम है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर मैं रिजाइन नहीं करता, मैं इस्तीफा नहीं देता तो शायद वो मैं वापस मुख्यमंत्री बन जाता। मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा, मेरी लड़ाई जनता के लिए है, मेरे देश के लिए, मेरे राज्य के लिए है। और भले हम इसके पहले राजनीति में विवाद तो होते रहते हैं, लेकिन एक मत तो हमारा हो गया है कि इस देश को हमें बचाना है, संविधान को बचाना है, और इसलिए आप यहाँ आए हैं। हम मिलकर पूरे आप तो पूरे देश में घूम रहे हैं, सबके घर जा रहे हैं, हम सब मिलकर ये जो अपने देश को फिर से एक बार गुलाम बनाना चाहते हैं उनको घर भेजेंगे। और मुझे पक्का भरोसा है पूरी जनता हमारा इंतजार कर रही है। तो आपने तो बात बता ही दिया है, हम सब लोग तो आए ही हुए हैं इनसे मिलने के लिए, बातचीत तो बहुत होती रहती थी, लेकिन ये तय था कि एक दिन लोग आएंगे। इन्होंने आज ही का समय दिया और आज जो इनका मामला था जिसके बारे में जानते ही हैं, इनके साथ जो अन्याय हुआ था, अब जिस तरह से जो फैसला आ गया तो बहुत अच्छा हुआ है। अब तो इन्होंने खुद ही बता ही दिया है। और किसी भी प्रकार से एक तो आश्चर्य की बात है कि पार्टी के नाम तो कैसे कोई बदल सकता है। तो इन सब चीजों को लेकर के तो हम लोग सब दिन तो अपनी बात अपना इनके साथ हम लोग रही हैं, लेकिन अभी जो हम लोग आए हुए हैं उसका मकसद उन्होंने बता दिया। हम लोग चाहते हैं कि पूरे देश में अधिक से अधिक पार्टियां एकजुट हों और मिल करके हम लोग लड़ेंगे। तो आज जो केंद्र में हैं वो पूरे देश के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं और समझ लीजिए इतिहास बदल रहा है। इसलिए इन सब चीजों को देखते हुए अपने देश के हित में और आजादी की लड़ाई हुई और किस तरह से देश आजाद हुआ है और कितना ज्यादा काम होता रहा है, पहले से काम तो करते नहीं। अब आप सब लोग मीडिया के साथ ही हम आपका नमन करते हैं, आपके हम खिलाफ नहीं कुछ बोल सकते, लेकिन हम जानते हैं ना कि आप लोगों के ऊपर भी किस तरह से किया है कब्जा। कि कोई कोई बात तो थोड़ा बहुत आप कह दीजिएगा, लेकिन ज्यादातर वो लोग अपनी तरफ से प्रचार करवा रहे हैं। काम क्या कर रहे हैं देश में बताइए, कहीं कोई काम हो रहा? और अलग अलग राज्यों में दूसरे पार्टी के लोगों ने जो काम किया है उसके बारे में तो उतना चर्चा भी नहीं होता। तो इसीलिए देश के हित में जरूरी है कि भाई देश आगे बढ़े और आपस में किसी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए। कोशिश क्या हो रही है, समाज में एक तरह का विवाद पैदा हो और ये नहीं होना चाहिए। सब में एकता, हिंदू मुस्लिम कोई भी जाति के हो, सब में कोई विवाद नहीं होना चाहिए, एकता रहनी चाहिए। तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पार्टियां एक साथ मिल करके काम करेंगी। और इस बीच में बहुत लोगों से बातचीत हो गई है, आज तो इनसे ऐसे हमारी बातचीत हम लोगों की होती रहती आ ही है, आज भी बात करेंगे। अब इसके बाद ये तय होगा कि कब मीटिंग सब लोगों की होनी। तो अभी तो एक राउंड आप जानते ही हैं, पिछले महीने भी हम लोगों ने बातचीत किया और जिस तरह से बातचीत हुई अनेक पार्टियों से, बहुत लोगों से बहुत अच्छी बातचीत हो गई है। अब उसके बाद आगे जो करना होगा वो हम लोग करेंगे। सर अभी तो आए हैं, बस यही मकसद है इनका और हम लोगों का, विचार तो एक ही है ना भाई, देश के हित में काम करेंगे। कोई तरह से जो हमारा पुराना इतिहास है देश का उसको बिल्कुल कायम रखेंगे। तो ये सब चीजों के लिए करेंगे। ये लोग तो अपना कर रहे हैं ना, इन लोग आजादी की लड़ाई से क्या मतलब था, इनको कोई मतलब नहीं।
अब वो सोच लीजिए कितना कोई काम हो रहा है, अपने अपने ढंग से नई नई चीजों का नामकरण कुछ भी होते रहता है, तो विचित्र बात है। तो इसीलिए जरूरत इस बात की है कि एकदम पूरे देश को एकजुट करना है और आगे बढ़ाना है। तो अगर सभी लोग एकजुट होकर के करेंगे और उनका जब मुकाबला होगा अगले साल के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, तो खूब अच्छी तरह से सफलता इधर मिलेगी और फिर देश सही दिशा में आगे बढ़ जाएगा। सवाल देखिए, दो पक्ष, पहला पक्ष ये है, आपने कहा लड़ाई में अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं जनता के लिए लड़ रहा हूँ। मेरा सवाल यहाँ इसके दो पक्ष ये है कि पहला तो ये कि क्या अगर आप इस वक्त इस्तीफा नहीं देते तो आज आपकी लड़ाई और ज्यादा मजबूत होकर उभर के सामने आती? पहला मैं मानता हूँ, देखो इसके जिस नजरिया से आप देखते हो, ठीक है कानूनी तौर पर मैंने इस्तीफा दिया शायद गलत हो सकता है, लेकिन नैतिकता अगर देखे तो जिन लोगों को मेरे पिताजी ने, मेरे पार्टी ने सब कुछ दिया, वो लोग उठकर मेरे ऊपर उंगलियां उठाए, तो उनके लिए मैं मेरा विश्वास या अविश्वास क्यों जताने की कोशिश करूं? तो ऐसे लोगों को अधिकार ही नहीं है मुझे सवाल पूछने का। जिन लोगों ने मेरे पार्टी से सब कुछ लिया और गद्दारी की, तो गद्दार लोग मेरे ऊपर अविश्वास लाए और उसका मैं सामना करूं, कैसे हो सकता है? ये तो गद्दार लोग है। आज तो कोर्ट ने कहा, और मतलब कोर्ट ने गद्दार नहीं कहा, लेकिन ये सारी बातें हैं। आज तो मतलब महाराष्ट्र में आप सरकार ही नहीं है। नैतिकता तो अभी जैसे मैंने नैतिकता का पालन किया, तो अगर इस मुख्यमंत्री में जरा भी कोई नैतिकता होगी तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए जैसे मैंने दिया। महाविकास आघाडी मध्ये सुद्धा जे सर्व प्रमुख नेते होते त्यांनी तुम्हाला म्हटलं होतं की राजीनामा देऊ नका, आपण फ्लोअर टेस्टला सामोर जाऊ। तुम्ही भावनिक राजकारणाला महत्व दिलं नाही, असेल तो कदाचित आमच्या घराण्याचा गुण किंवा दोष असेल, पण मी जे आता म्हटलं की ज्या घरानी, ज्या पक्षांनी, ज्यानं सगळं काही दिलं, सगळं काही घेऊन सुद्धा जे माझ्या पाठीत वार करायला निघाले, त्यांनी माझ्यावरती अविश्वास आणावा हे मला काही पटलेलं नाही। म्हणजे एक तर स्वतः गद्दार, त्यांनी विश्वासघात त्यांनी केला, विश्वासघात करणाऱ्यांकडून मला जर विश्वासदर्शक ठराव, अविश्वासदर्शक ठरावाबद्दल विचारलं जात असेल तर ते अयोग्य आहे। आदित्य है और तेजस्वी है, जिस लड़ाई की आप बात कर रहे हैं, जो मिलकर सामने आए हैं, इनमें इन दोनों का कितना अहम रोल और किस तरह से देखेंगे आप? अभी क्या रोल, अभी क्या वो सिनेमा या नाटक थोड़ी है कि रोल कैसे रहेगा, ये देखो ऐसा रोल रहेगा। नीतीश जी, जब ये पक्ष लोग यूनिटी पक्ष इकट्ठा ला रहे हैं, विपक्ष का चेहरा कौन बनेगा, आपकी कुछ कोशिश? ठीक है चलो, अभी तो हम इकट्ठा आ रहे हैं, सबको एकजुट करना चाहते हैं लेकिन अपना कुछ नहीं करना चाहते हैं, ये जान लीजिए। हम तो सिर्फ चाहते हैं कि सब एकजुट हो, मिल करके सब लोग लड़े और हम लोग मिल करके पूरा का पूरा सिद्धांत बना के चले और देश को आगे बढ़ाए। लेकिन कौन चेहरा कौन रहेगा? देख नीतीश जी बिहार में वो नहीं बनना है, और जो भी बनेंगे वो सब मिलके सबको आगे बढ़ाएंगे।